फ्रेंड्स, सीए इंटर स्टैंडर्ड पोस्टिंग लेक्चर 3 वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस। हमने देखा था मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, उसको एक्चुअल आउटपुट के बेस पे रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल क्वांटिटी, क्वांटिटी का सब पार्ट मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। जो मटेरियल प्राइस था वही लेबर रेट था, जो मटेरियल क्वांटिटी था वही लेबर एफिशिएंसी था, और मिक्स एंड यील्ड। लेकिन अभी वेरिएबल ओवरहेड्स में मिक्स एंड यील्ड वो कंपोनेंट नहीं है, लेबर कॉस्ट यानी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, लेबर रेट यानी वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर, रेट का नाम चेंज करके एक्सपेंडिचर, एंड लेबर एफिशिएंसी, वैसे वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी हमें वही लर्न करना है। फ्रेंड्स, अभी आप रिवाइज द फॉर्मूला, रीड दैट। वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। उसका सिंपल मीनिंग, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट माइनस एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट। उसका सब पार्ट कौन सा है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। व्हाट इज फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड शुड बी revised on the basis of actual output. Actual unit जितने produce किए है ना, उसके ही standards find करने हैं। तो आपको अभी question number illustration 11.9 देखना है, page number 13.36. Friends, पहले आपको budgeted overheads दिया होगा, budgeted unit दिया होगा, and per unit कितने आज चाहिए वो भी आपको दिया होगा। रिमेम्बर दैट हमें बजेटेड ओवरहेड्स का इम्पोर्टेंस फिक्स वेरिएंसेस में है, यहाँ तो सिर्फ रेट फाइंड करने के लिए ही बजेटेड ओवरहेड्स का इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे पूछोगे, सर बजेटेड ओवरहेड्स से स्टैंडर्ड ओवरहेड्स में फर्क क्या है? स्टैंडर्ड है ना वो बेसिस ऑन एक्चुअल आउटपुट होता है, बजट है ना वो बेसिस ऑन बजटेड आउटपुट होता है। आपने सवेरे सोचा था कि मैं पूरे दिन में 20 आवर्स पढ़ूंगा क्योंकि एग्जाम है, और 200 पेजेस पढ़ूंगा, तो 20 आवर्स इज बजेटेड आवर्स, बट यू रीड ओनली 120 पेजेस, तो स्टैंडर्ड आवर्स ओनली 12 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स ओनली 12 आवर्स, क्योंकि 120 पेजेस पढ़ा, एक घंटे में 10 पेज पढ़ सकते थे। 12 आवर्स इज अ स्टैंडर्ड एंड बजटेड वाज दैट इज 20। रिमेंबर दैट जिसको एक्चुअल आउटपुट पे रिवाइज किया जाता है ना उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। वो आपको ऑलवेज याद रखना है, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स में एक्चुअल आउटपुट के बेस रिवाइज किया जाता है। तो आपके क्वेश्चन में देखो बजटेड ओवरहेड्स 120 दिया है, यूनिट 6000 दिया है, यूनिट्स 6000 दिया है, और पर यूनिट आर्स रिक्वायर्ड, पर यूनिट आर्स रिक्वायर्ड 2 है, इसीलिए आपका स्टैंडर्ड आर्स हो जाएगा 12000, सॉरी बजटेड आर्स हो जाएगा 12000, बजटेड आर्स विल बी 12000। रिमेंबर दैट बजटेड आवर्स 12000। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा, रिकॉल लाइन टू लाइन,
budgeted overheads 120,000, unit 6,000, but per unit hours required 2. एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए, तो 6,000 यूनिट बनाने के लिए आपको 12,000 आवर्स चाहिए, दैट इज द बजटेड आवर्स. एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया है 5900. एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स स्टैंडर्ड चाहिए, मल्टीप्लाई 5900 करो तो 11800 स्टैंडर्ड आवर्स होगा. 11800 आपका स्टैंडर्ड आवर्स, एंड स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट. एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट. ये रेट आपका बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स 120 डिवाइड बाय 12,000 यानी 10 रुपीस, मल्टीप्लाई 118,000 दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट. 11,600 आपको दिया हुआ है एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है, एक्चुअल वेरिएबल 122. 122 करोगे तो 4000 एडवर्स आ जाएगा, 4000 एडवर्स. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लेट नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड्स दिया है, एक्चुअल आज दिया है, डिवाइड कर दो. देखो 10.512 समथिंग आता है तो उसको आप कन्वर्ट मत करो, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिफरेंस 11,600 टाइम्स हो जाएगा. जहां पे आपका रेट में फ्रैक्शन आता है उसे वैसे ही रखो. पुट द वैल्यू इन फॉर्मूलास. फॉर्मूला में सबसे पहले देखो, हमने देखा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, दिस इज द स्टैंडर्ड रेट, दिस इज द एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स 6000 एडवर्स. नाउ स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे 4000 फेवरेबल एडवर्स, यहाँ पे 6000 एडवर्स, यहाँ पे 2000 फेवरेबल, 6 and 2 का डिफरेंस 4000 हो गया. फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी एक ही है, बाकी तो लेबर ही है ना, फॉर्मूला वही है. फिर ध्यान क्या रखना है, रेट में एक्चुअल मल्टीप्लाई, बाकी सब पे स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई. बजटेड का डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड का डिफरेंस वो सबसे इंपॉर्टेंट है. फिर से विद फिगर में आपको रिवाइज कर रहा हूं, 120,000 बजटेड ओवरहेड्स आपको दिया है, सी द क्वेश्चन नंबर 11.9. उसमें आपको 6000 यूनिट दिया था, आपने उसको बजटेड आवर्स में मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई कर 12,000 बजटेड आवर्स था. बजटेड का यूज सिर्फ रेट फाइंड करने में किया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई विद एक्चुअल आउटपुट, मल्टीप्लाई विद एक्चुअल आउटपुट 5900 × 2 11800. ये पॉइंट आपको ऑलवेज याद रखना है. फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब चैनल, शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर ग्रुप्स, इट विल वेरी वेरी यूजफुल. एंड आगे देखते रहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स अवॉइड वेरिएंसेस. बने रहे मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच.